वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। मेरा नाम नितिन श्रीवास्तव है और मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बच्चों बना रखे हैं, ओ लेवल से रिलेटेड। आशा करते हैं आप तक पहुंचे होंगे और आपको पसंद भी आते होंगे बच्चों। तो आज बच्चों, आगामी 8 जुलाई को होने वाली ओ लेवल की आईटी के पेपर की परीक्षा के लिए एक वीडियो है, देखिएगा ध्यान से। और कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए मतलब के हैं उनको ध्यान देंगे बच्चों, तो समझ में अवश्य आएगा। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न, द मेन ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के द्वारा संपादित होने वाले प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक, लॉजिकल, स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले का करेक्ट आंसर लगाइएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज, किसे आप हाइब्रिड कहते हो बच्चों? जो कि रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग, यानी दोनों के जो खूबियों को रखे उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? तो बच्चों, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल का यूज होता नहीं, लेजर, ऑप्टिकल डिस्क है आप जानते हैं, तो लेजर टेक्नोलॉजी होगी। यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये वो पोर्ट होता है बच्चों जो कि सिस्टम से फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर करता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी बहुत ही पॉपुलर पोर्ट है, आप बच्चा बच्चा जानता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, मेमोरी, क्या कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को? तो बच्चों, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। छठवें प्रश्न की ओर लेता हूं अब आपको। द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, सोचने की, सीखने की, आर्गुमेंट करने की जो क्षमता है उसको बच्चों हम लोग एआई का नाम देते हैं। बच्चों, आज दुनिया एआई के पीछे दीवानी है। विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आईओ, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच कंट्रोलिंग कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट का काम है सीयू का। बताइए कौन सी जनरेशन कंप्यूटर की यूएलएसआई वाज यूज्ड, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? फिफ्थ जनरेशन में बच्चों यूएलएसआई का यूज होता है। फुल फॉर्म ऑफ ओएसएस, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सोर्स सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएसएस का फुल फॉर्म क्या लगाएंगे आप लोग बच्चों? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट फॉर्म होगा, तो बी लगाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर कोड, ईपीरॉम, ईबीसीडी आईसी, रैम या जावा? बाकी तो सब मेमोरी है बच्चों, जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जिससे आप कोडिंग करते हो। To create large size drawing architects engineering, आप किसका यूज करेंगे? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, आपको पता होगा। माउस इज ऑल्सो कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस, बिल्कुल सही कथन है, ट्रू लगाइएगा। द इफिशियंसी ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड मैनेजमेंट विथ टाइटर कंट्रोल ओवर ए बिजनेस, ये देखिए इसका सही उत्तर होगा ट्रू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल मेनली क्लासिफिकेशन यही दोनों पाए जाते हैं बच्चों, सिस्टम और एप्लीकेशन। जो स्पीच सिंथेसाइजर एक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट मैटर को स्पोकन सेंटेंस में बच्चों कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर आपका होगा ट्रू। 16वां प्रश्न पे आइएगा। A high level language can be understood by a computer without using a translator. क्या high level language को computer बिना translator के use कर लेगा, समझ लेगा? तो जी नहीं, इसका answer होगा false. आपको compiler या interpreter जैसा एक translator चाहिए होगा बच्चों। The resolution of printer is measured by DPI dot per inch. बताइए 17वां नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? बिल्कुल, कंप्यूटर प्रिंटर का रेजोल्यूशन डीपीआई में ही मापा जाता है। ए राइट क्लिक ऑन द विंडोज डेस्कटॉप इटसेल्फ विल ओपन डिस्प्ले प्रॉपर्टी,
शो ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, ओपन द कंट्रोल पैनल, मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशन। तो बच्चों ये आपका 18वें प्रश्न का सही आंसर होगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। यहां ये शब्द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट पर आप राइट क्लिक करेंगे विंडोज डेस्कटॉप के, उससे रिलेटेड एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, बच्चों एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होगा, खुल जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर आता हूं, द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम अंटिल यू कॉपी अदर टेक्स्ट, यू कट अदर टेक्स्ट, यू शट डाउन योर कंप्यूटर। तो भैया आल सभी बातें सही। Which of the following characters is not allowed on name, file name या folder में नहीं allowed है? Question mark, full colon, underscore, greater than। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा, Which of the following character is allowed, मैं not allowed भूल गया था बच्चों, बाकी कोई symbol नहीं allowed है, underscore को छोड़ दे तो, यानी C answer लगाइएगा। Selection of text can be सिंगल वर्ड और लाइन, ए पैराग्राफ, कंप्लीट डॉक्यूमेंट या ऑल। 21वें नंबर का क्या होगा करेक्ट आंसर बच्चों? तो 21वें नंबर का प्रश्न का सही उत्तर लगाइएगा डी। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी? तो इतना सरल प्रश्न है कि पूछना क्या है। इसका सही उत्तर बच्चों आपका क्या होगा, कॉपी का शॉर्टकट तो आप जानते ही हैं, कंट्रोल प्लस सी होता है। शॉर्टकट की फॉर हेल्प बच्चों, तो हेल्प का शॉर्टकट तुम्हारा F1 होता है। 23 नंबर प्रश्न, जी हां F1, द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड फाइल इज, 24वें का क्या होगा, ए होगा, TXT होता है, पूछा जा सकता है। द प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स, वायरस, बैकअप, एंटीवायरस या फायरवॉल, कौन है जो आपके सिस्टम को हैकर से सुरक्षित करता है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इसको? प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बच्चों वायरस से बचाता है एंटीवायरस, हैकर से बचाता है फायरवॉल। याद रखिएगा फायरवॉल एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो आपके सिस्टम को हैकर से प्रोटेक्ट करता है। यू कैन स्वैप ओवर द फंक्शनैलिटी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन। जी हां आप लेफ्ट एंड राइट माउस बटन की फंक्शनैलिटी को स्वैप कर, स्वैप मतलब अदल बदल करना। डेल की डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, फॉल्स, डेल तुम्हारा राइट से बच्चों डिलीट करता है, यानी आप देखिए ई पे रख दीजिए और डेल दबाएंगे तो ये देखिए डिलीट हो जाएगा, अभी स्पेस डिलीट कर रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा इसमें सुधार दूं मैं, डेल की डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, तो डेल तुम्हारा जो टेक्स्ट को डिलीट करता है वो आपका करता है लेफ्ट से, ये सही है ना कि गलत, मैंने उल्टा लगा दिया था तो इसको नॉर्मल कर देता हूं मैं, ट्रू है ये। और बैक स्पेस तुम्हारा डिलीट करता है राइट से, यानी आपने ई पे कर्सर रखा यहां पर, तो आपका डेल की डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम द राइट होता है बच्चों, डेल की डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट। ट्वेंटी सेवन नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, डेल की तुम्हारा राइट से ही डिलीट करता है ना कि लेफ्ट से, तो फॉल्सी पे रहता हूं मैं,
द विंडो की वी विल लॉन्च स्टार्ट बटन, विंडोज की लॉन्च करता है स्टार्ट बटन को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा, ट्रू होगा। क्लिकिंग ऑन एन आइकॉन विथ द माउस इज द फॉर्म ऑफ गिविंग ए इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। बिल्कुल, आप किसी आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो निश्चित तौर पे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही तो देंगे। द ओवरऑल फ्लो ऑफ स्क्रीन्स एंड मैसेजेस फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड इंटरफेस। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। ए पुल डाउन मेन्यू ऑप्शन विथ ए स्मॉल एरो इंडिकेट्स दैट सब मेन्यू विल अपीयर। पुल डाउन मेन्यू विथ ए स्मॉल एरो इंडिकेट्स, बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों। सही कह रहे हैं, ये कथन ट्रू होगा। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ परमानेंटली रिमूविंग ए कंप्यूटर फ्रॉम ऑपरेशन। गलत, बूटिंग में ओएस ही तो लोड होता है, ये कहां होता है। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। टेबल को इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किसका यूज करते हैं बच्चों? टेबल मेन्यू का यूज करते हैं। फुटनोट इज ऑलवेज अपीयरिंग एट द बॉटम ऑफ द पेज। एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट पर जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड और शो साइड बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बच्चों, साइड बार को हाइड या शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस F5 फंक्शन की का यूज करते हैं हाइड बार को शो या हाइड करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। इसमें से क्या नहीं शो करता स्टेटस बार में? देखिए, टोटल वर्ड, प्रेजेंट, पेज नंबर, नेम ऑफ कंप्यूटर जैसी कोई चीज शो नहीं करती। इन ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर लगाइएगा, एडिट मेन्यू। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होगा 38 का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ डी। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल? न्यू स्टाइल के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा शॉर्टकट होता है बच्चों? याद कर लो, शिफ्ट प्लस F11। मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? 96 होती है और मिनिमम 6 होती है, 6 96। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर स्पेलिंग चेक? 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? F7 होता है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कमांड्स आर अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? 42 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, फॉर्मेट मेन्यू होता है बच्चों। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ODP होता है इंप्रेस का, ODS होता है तुम्हारा स्प्रेडशीट का, माने कैल्क का। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट? एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी की का यूज किया जाता है? 44 नंबर का आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंड। यू कैन हाइड और द स्क्रॉल बार इन लिब्रे ऑफिस? यस, हाइड कर सकते हैं। इज यूज्ड लिब्रे ऑफिस यूज टू ओपन एंड सेव फाइल्स इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओनली। नहीं, आप अदर फॉर्मेट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वी कैन कस्टमाइज द इंटरफेस ऑफ राइटर बाय ऐड और रिमूव द टूल बार्स। यस, आप अपने इंटरफेस को खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर इफ यू मेक ए मिस्टेक देन यू कैन करेक्ट इट विथ अंडू कमांड। यस, वेरी गुड, सही आंसर है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हेन द स्पेलिंग चेक टूल इंडिकेट ए वर्ड, अगर किसी शब्द के नीचे
रेड लाइन आती है तो ये निश्चित तौर पे द वर्ड मिस स्पेल्ड एंड यू हैव टू करेक्ट इट ट्रू। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट बोथ अपीयर बिग साइज एज कंपेयर टू नॉर्मल। 50 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स। साइज नहीं बदलती भैया, ऊपर नीचे होता है बस सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में। तो बच्चों ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी और आशा करता हूं कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और नए नए प्रश्नों को प्राप्त करेंगे ताकि आपकी परीक्षा में कुछ निश्चित तौर पर आपको फायदा मिले। तो इस आशा के साथ मुझे आज्ञा दीजिए बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।